चलो भाई मैम इसी क्वेश्चन कंफ्यूजन से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था नंबर 28 मैंने नहीं बताया था, मतलब आइसोमेरिज मैम, निकाल। 29 इसी में नंबरिंग की वजह से फिर गलत हो गया। ठीक है, अब यस मुझे सर, नहीं बताओ गलत होगी। और क्वेश्चन देखो, एक मिनट में से जूम में, और कोई क्वेश्चन नंबर कोई याद आ रहा हो? 28 वाला मैम बता दो एक बार। ट्वेंटी यस एट मैम, में ट्वेंटी बताती एट हूँ। बाकी देखो 24, विच ऑफ द नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो नहीं करेगा? ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम कंपाउंड। 25 क्वेश्चन नंबर, कौन सा ठीक था इसमें? दिख रहा है 25? यस मैम। कौन सा ठीक था इसमें? वन अमीनो इथेनल बन सकता है कोई? नो इथेनल मैम, अमीनो, अमीनो यहाँ पे कैसे लग जाएगा? इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी है वन पोजीशन पे, बन सकता है इस तरीके का कंपाउंड? नहीं, तो ये नेम नो गलत। सेकंड मैम, बी पे आओ, ये मैं बहुत बार बता चुकी थी कि साइक्लोहेक्सीन, अगर ये COH ऊपर से, तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन गुड रिंग इवनिंग के मैम। साथ, गुड इवनिंग, क्योंकि इसका कार्बन रिंग के साथ इंक्लूड नहीं हुआ, इसका नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला भी बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट था, मतलब कि सी नहीं हो सकता था। सी भी इनकरेक्ट है, उसने पूछा है ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑल ऑफ ऑल आर इनकरेक्ट। टू इथाई पेंटेन टूल कैसे बन सकता है? आप जरा इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे पेंटेन टूल का, ठीक है, बनाना अपने आप बनाओगे आप। तो टू पोजीशन पे अगर इथाइल आ गया बच्चे, और टू पे ही ओल अगर आ जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा? आप खुद देखो क्या नेम आ रहा है इसका, जरा बनाना है ये कंपाउंड, बनाओ टू इथाइल पेंटेन टू ओल को बनाओ, CH3 CH2 CH2, टू पोजीशन पे इथाइल लगाया है C2H5 और CH2 CH3, और टू पे ही ओल भी लगाया है, मतलब कि OH भी दिया, यही है ना कंपाउंड का नाम? टू इथाइल पेंटेन टू ओल यही है। अब इसकी नाम, आप ये कंपाउंड आपने नेमिंग से बनाया, 1 2 3 4 5 नेमिंग से आपने ये बनाया, लेकिन अब आप इसका नेम लिखोगे तो क्या होगा बच्चे? इसका नाम बताओ क्या बनेगा? रियल में इसका नेम है क्या? C2H5 को खोल दो, CH2 CH3, अब बता सकते हो? लॉन्ग चेन अलग हो गई, नाम अलग पड़ेगा इसका, टू इथाइल पेंटेन टू ओल नहीं होएगा इसका नाम, होगा टू इथाइल पेंटेन टू ओल, टू इथाइल पेंटेन टू ओल, क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, ओ सॉरी, 3A 4A 5A 6A, क्या नेम हो गया इसका? 3-मिथाइल हेक्सेन 3-ओल। रियल में इसका नाम यस क्या है? यस 3-मिथाइल मैम, हेक्सेन 3-ओल, लेकिन वहां पे क्या दिया है? गलत, यानी कि इस तरीके का कभी कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता जिसका नाम 2-इथाइल और पेंटेन 2-ओल हो। समझ में आई बात? हेक्सेन 3-ओल, क्लियर हुई बात भाई? यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सिस और ट्रांस वाला हो गया होगा, इजी था। और देखो इसमें कोई है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बहुत बार बताया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा लीस्ट माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है? आपको पता है ब्रोमीन जो है लीस्ट कर रहा है, एग्जाम में ऑर्डर लिखवाया था एक, याद है ऑर्डर लिखा था? यहाँ नंबरिंग करेंगे यस आप, मैम, यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, 1 नंबर क्लोरो को 2 3 4, क्या नेम हो गया इसका? 1 क्लोरो 4 मिथाइल 3 नाइट्रोबेंजीन। इस 31 में कैसे नंबरिंग करी थी हमने? कार्बन को 1, ओल वाले को क्या देंगे? ये इस तरीके, ये बना दिखाया भी था मैंने रिवीजन क्लास में, इस टाइप का कोई कंपाउंड बनाया भी था कि कार्बन है, OH लगा है, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ मैंने बोला था, देखो यहाँ पर CH2Br, यहाँ आप नंबरिंग या तो इस साइड से कर सकते थे या इस वाले कार्बन से, दो कार्बन से कर सकते थे, बोलो भाई, या तो ये येलो वाला या फिर ये येलो वाला, या तो फिर ये ब्लू वाली साइड से, बोलो। यस मैम, यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना था, इसलिए आप ब्लू वाली साइड से नंबरिंग करोगे, नंबर लिखोगे 1 और देन 2 और फिर 3, क्या नेम होता है इसका? 1 पोजीशन पे क्या लगाया ये? फिनाइल, 1
फिनाइल, वन फिनाइल से पहले भी क्या है, थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो पेंटेनॉल, ओ सॉरी प्रोपेनॉल, तीन कार्बन की चेन है, प्रोपेनॉल। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। क्लास में करवाया था, 32 भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पेपर इजी था, एक बार खोल के देखना बिटली लिंक पे जाके, आंसर की पे जाके देखो। मैं फिर बोल रही हूँ, जो गलतियां एक बार एग्जाम में हो जाती हैं, अगर उन्हें उसी टाइम सुधार लिया जाए तो दोबारा वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, अगर तुम दिमाग सही मतलब लगा के कर रहे हो। क्लियर? इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन में? 40 भी मैंने करवाया था क्लास में, बी ऑप्शन था इसका करेक्ट। क्लियर है भाई? कोई डाउट पूछना है फिर से बताऊं? बी ये वाला 40 वाला, इसका नेम बताना था। दिख रहा है कंपाउंड, दिख रहा है? क्लियर? ये दिखा? यस मैम। यस मैम। बताया था ना ये नाइट्रोजन के स्तर पे C2H5 है भाई, मैं बता चुकी थी कि इसमें भी गलती करती तुमने, कि मतलब कि तुम्हारे पेपर पास पेपर भी आ जाए तुम तब भी गलत कर दोगे। बोलो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक को वन देंगे, 1 2 3। अब ये वाला कंपाउंड कैसे है, एज अ सब्स्टिट्यूट लगा है, एन एन डाइथाइल अमीनो, एन एन डाइथाइल अमीनो क्या है, एज अ अमीनो लग गया। क्यों? क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूट है, मेन फंक्शनल ग्रुप अब कौन सा है, प्रोपेनोइक, नोइक, 2 पे क्लोरो 3 पे NN डाइथाइल अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। बोलो भाई तुमने रिवीजन वाली क्लास ली थी, उसमें इस तरीके का मैंने बताया था, बताया था आपने। चलो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? रेजोनेंस हमने कर लिया था, पॉजिटिव क्या नेगेटिव रेजोनेंस, माइनस आर रेजोनेंस की बात भी हुई थी, माइनस आर इफेक्ट की बात हुई थी हमने। दो तक रेजोनेंस इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि दो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए दो रिकॉर्डिंग ऑन है, रेजोनेंस इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस थी, ठीक है भाई पीयूष, तनिष्का, कनिष्का। रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है, हुआ था क्लास में, बताओ भाई? हुआ था। यस मैम हुआ था। मैंने तुम लोगों को बोला था स्ट्रक्चर बना के भी दिखाओ, बनाया था कॉपी में, आया ना? नहीं बोला था एनिलीन का, मैंने बोला था बना के लेके आना, एनिलीन का भी बना दिया था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको इसके बनाने थे। रेजोनेंस कब लगता था, दो कंडीशंस पे रेजोनेंस इफेक्ट का था, एक तो क्या पाई बॉन्ड, और दो पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मीन्स क्या, एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद। दूसरा इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे, और क्या था, एक पाई बॉन्ड हो और दूसरा क्या हो, और एन अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मीन्स क्या, एक सिंगल बॉन्ड के साथ या फिर पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ पे सपोज एक पाई बॉन्ड है और दूसरे वाले एक सिंगल बॉन्ड का गैप है, और फिर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन में। प्लस और पाई ऑर्बिटल क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है इसके साथ, कॉन्जुगेशन मीन्स एक सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट या तो फिर सी डबल बॉन्ड, और सी के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन है या एंटी ऑर्बिटल होगा। बोलो बात समझ में आई? प्लस मीन्स यहाँ पर एक एंटी ऑर्बिटल है, ठीक है, और पाई बॉन्ड के साथ वो कॉन्जुगेशन में, यानी कि कॉन्जुगेशन मीन सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद, तो यहाँ पे रेजोनेंस शो होगा। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बोलो याद आए क्वेश्चन देख के, कुछ समझ में आ रहे हैं, ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ मैम। क्वेश्चन नहीं किए थे साथ में, ये बताओ करेगा नहीं करेगा। खुशी सामने कंपाउंड दिख रहा है, कनिष्का क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, ऋतु कैसी, हमने प्लस आर और माइनस प्लस आर वाली बात की थी, है ना, क्वेश्चन लिखी है। यस मैम। ये क्वेश्चन हुआ है, मतलब की तो सब भूल गए, ये वाला हुआ है क्या, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा, याद है कुछ, करेगा, पाई बॉन्ड है दोनों, एक सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ है, रेजोनेंस हो रहा है, बोलो रेजोनेंस शो करेगा, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यस यस मैम। नेक्स्ट आओ, यस मैम, ये भी करेगा नहीं मैम, ये नहीं करेगा।
ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? कॉन्जुगेशन में नहीं है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मीन्स क्या, एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद होना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच ओ एच अगर लगा है, यहाँ पे लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन और ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद है, तो यानी कि कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस शो करेगा। यस क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो इसमें बताओ ये करेगा, अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूं सी एस थ्री सी ओ एन एच टू, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड का गैप, फिर पाई बॉन्ड, यस मैम करेगा। यहाँ आएगा, ये ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये इस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा। ओके, ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, एन एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस यस शो करेगा। ठीक है, अब जरा मुझे अब बताओ, जरा अब बताओ ये शो करेगा रेजोनेंस या नहीं? यस मैम करेगा। नो मैम, नो मैम, नो कर, नहीं नो रहेगा, नो मैम। मैम, कितने पाई बॉन्ड और अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने का गैप है पहली वाली? दो सिंगल बॉन्ड है इसलिए नहीं करेगा। हाँ, दो सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन मींस क्या, एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो। क्लियर है बात? तनु, तुषार, तनिष्का, क्लियर यस मैम। है? तुषार ये बताओ, ये भी बताया मैंने, क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है? यहाँ पे लोन पेयर नहीं बने हुए हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं बचे हुए, तो शो करेगा रेजोनेंस। यस, यस पाई मैम करेगा करेगा बॉन्ड डबल बॉन्ड के इलेक्ट है तो रेजोनेंस शो करेगा। कार्बोनेट मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है, सीओ थ्री टू नेगेटिव का अगर मैं स्ट्रक्चर कराती हूँ कैसा होता है, ओ नेगेटिव ये और ये ओ नेगेटिव, राइट? यस मैम करेगा ये करेगा ये भी, ये नेगेटिव एक बार यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, कैसा बनेगा इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ओ नेगेटिव यहाँ और यहाँ, यहाँ पर आ गया की बार डबल बॉन्ड, अब की बार ये बॉन्ड उठ के इधर और ये इस तरफ सिंगल मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। क्लियर है भाई? यस मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यस बना लोगे मैम कार्बोनेट के बनाने में, ठीक जैसे कार्बोनेट का था वैसे इसमें भी है, एक बार ये उठ के इधर और ये फिर इधर, फिर अगले स्टेप में उसका उल्टा, तो इस तरीके से कार्बोनेट की तरह इसके भी ये भी रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, हमने इसके बनाए थे मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि फिनोक्साइड के, मैम पहले वाला वो दिखाना लास्ट वाला स्लाइड ये मैम। इसमें ये कैसे करेगा जैसे आपने बताया था दो पाई बॉन्ड के बीच में एक ऐसे वो होना चाहिए सिग्मा तो नहीं हो रहा क्या? बॉन्ड सब करेगा। नहीं नहीं मैम हो, इसमें काम होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड और इसके ऊपर लोन पेयर, ये बॉन्ड गए यहाँ, ये वापस से यहाँ, तब तक ये वाला बैठा है अपना शांति से अपने इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये वाला जो है डबल बॉन्ड इधर आ गया, ओ नेगेटिव ये है, ये ओ नेगेटिव है, अब की बार ये वाला नीचे आया और ये वाला इधर गया। एक अरे जैसे कार्बोनेट में हो रहा था, एक एक करके हर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ रहा था, बाकी के सिंगल बन रहे थे, वैसे इसमें भी सेम, अगर कार्बोनेट का बना रहा है भी दिखाया था ये, ऐसे ही तो हो रहा है सेम उसमें भी। Here, यस मैम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था हमने, बोलो भाई, झूठ मत यस बोलना। मैम यस मैम मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हमने यही किया था पूरा, ओ नेगेटिव था, इसके ऊपर लोन पेयर है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, हमने क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए थे। यस, कैसे कर रहा था, अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, मैं रुक गई हूँ, अपनी अपनी कॉपी निकालो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम में, आएगा ही आएगा कि फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसी में आ जाएगा क्लोराइड क्लोरोबेंजीन का बनाओ, या फिर आ जाएगा एनिलीन का बनाओ, सबका सेम एक जैसा ही बनता है, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनना है वो बनाने आने चाहिए। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है, दो तीन नंबर में क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, कॉपी पेन लेके बैठो, मैं भी खोल कैमरा ऑन करवा के पूछूंगी। ठीक है भाई, अरबाज, उज्जवल, थोड़ा सा लेट आए हो बट ठीक टाइम पे आ गए, फटाफट से कॉपी निकाल के बैठो और ओके निकालो फटाफट से, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ बनाना है, मैं पूछूंगी अभी। ठीक है, ये एरो मेरे ध्यान से देखना किधर जा रहे हैं,
इसके पास लोन पेयर थे, ये क्या हो गए, इस कार्बन के पास आ गए शुक्र। जब ये लोन पेयर कार्बन के पास आए बच्चे, तो कार्बन के पास यहां पर हो गया, ये ऑक्सीजन के पास यहां से यहां आ गया है डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आया एक, और उसने यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और मेरे पास ये स्ट्रक्चर था। अब ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन को तुम ध्यान से देखोगे, जिसको मैंने ब्लू से बना रही हूँ, ये वाला बीच वाला कार्बन, इसके बॉन्ड बन रहे 1 2 3 4 5, जबकि ऐसा होता नहीं है, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो होगा क्या, जब ये वाला बॉन्ड ऊपर से नीचे आए इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पे डीलोकलाइज, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ठीक इसके बगल में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऊपर से आए थे ऑक्सीजन के पास, यहाँ से डबल चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर। बोलो भाई, ये स्टेप समझ में आया? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप कैसे एरो घुमाने आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन से एरो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को ऐसे, और जिस भी बॉन्ड के ऊपर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ बीचो बीच एरो का साइन, मैम, यहाँ आपने वहां से डबल बॉन्ड क्यों हटा दिया? मैम आपने बताया तो था ये। अभी तो बताया मैंने, कार्बन के पास बच्चे पांच मैम पांच लिखो क्लास में। हाँ 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के पास, इसलिए इस डबल बॉन्ड को यहां से हटा के इसने क्या किया है, यहाँ पे अपना शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर। क्लियर है? यस मैम। ये लास्ट क्लास में हुआ था, उज्जवल? मैम बताया था आपने पूरे अच्छे से। यस मैम, हुआ था ये तो। अब हाँ, फिर दोबारा तब भी पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती ना तुम्हें? मैं नहीं रहता हूँ तो ये सब दोबारा पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। चलो फिर पढ़ते हैं दोबारा से, मैं यही वाला बताऊंगी सिर्फ। आगे देखो, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ, इसलिए इसमें मुझे एक चीज बतानी थी, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ इसे, ये वाला बॉन्ड उठ के आ गया इस कार्बन के ऊपर। फिर दोबारा पढ़ रही हो, मैं चाहती हूँ तुम अपने आप ड्रॉ करो इसे अपने हैंड से, नहीं तो एरो की मिस्टेक होगी ही होगी। मैं अभी खुलवा के किसी से भी पूछ लूंगी, भागना मत बस। ऑक्सीजन के ऊपर फिर प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बन के इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अब यहां पर आ गया हूं, बाकी सारे बॉन्ड सेम। थर्ड स्टेप समझ में आया? जरा इन 3 स्टेप को एक बार मुझे दिखा दो, कनिष्का क्या दिखा सकते हो? क्या पिछली बार भी देखा था मैंने क्या? उज्जवल? मैं अभी दिखा दूंगी। नो मैम, हाँ नहीं देखा था पर अभी मत नहीं, देखिएगा। बिल्कुल अभी देखना है मुझे, अभी बना के दिखाओ कैसे बना रही हो तुम। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हुए नहीं दिखाए कनिष्का, एरो कहाँ है? एरो बनाना इम्पोर्टेंट है, एरो से ही तो बताओगे कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या हुआ है। जुनैद, संध्या, संजना, कॉपी लो बच्चे, बनाओ। कृष्णा मैम बना, मैंने किया था। दिखाओ, हाउ कैन यू वेट? ध्यान से बिल्कुल देखना है क्या, जब बॉन्ड लेके गए हो आप, इधर बॉन्ड बना है एरो, इधर नेगेटिव से फिर वो बॉन्ड बना है, तो अरबाज मुझे दिख नहीं रहा क्लियर, नेगेटिव से एरो, हाँ अब दिखा, देखो अरबाज तुमने क्या किया, दिखा देखो, देखो तुमने डबल बॉन्ड को उठा के सीधा नेगेटिव के पास ले गए, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ ऐसे ही रहने दो, रुको। गलत बना है, तुम्हारा एक स्टेप गायब है अरबाज, बाकी लोग भी देखो बच्चे, ये पहला स्टेप क्या है आपका, फिर से देखो, आपकी बार एनिलीन का देखो जरा मैं एक दिखाऊं? बार, 1 मिनट, अब मैं इधर आ गई हूँ पीछे, अब मेरा वाला देखो, फिर मैं तुम्हारे को फिर से देखती हूँ। NH2, ये इलेक्ट्रॉन बच्चे उठ के, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास जा रहे हैं, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, यहाँ हुआ आपका NH2 पॉजिटिव, बाकी ये वाला बॉन्ड जब उठ, तुमने क्या किया अरबाज, इस सीधा बॉन्ड को उठा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया, यहाँ नहीं बनेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया है वो इस वाले बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड है दिख रहा है येलो से, इसका एरो यहां यस से ठीक इस कार्बन के ऊपर, एरो यहाँ नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड सेम, जो ये वाला बॉन्ड क्या गया है, ये जो बेंजीन रिंग में यहाँ इस तरफ बना है, इसको यहां से उठा के ठीक इसके बगल में एरो में यही कार्बन के ऊपर पॉइंट होना चाहिए एरो, बराबर
बात समझ में आई। अब अगले स्टेप में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज उठ के गया है यहाँ बॉन्ड में, तो बीचों बीच दिखाना है यहाँ बॉन्ड बना, और ये फिर से ये वाला बॉन्ड बना है नेगेटिव चार्ज, तो ठीक बॉन्ड के बीच में से आना चाहिए और एकदम कार्बन के कॉर्नर पे ही कॉर्नर यहाँ पे कॉर्नर बनना चाहिए, मतलब इसका एरो जो है वो एकदम यही बनना चाहिए। क्लियर? अब ये वाला जो बॉन्ड है टूट के यहाँ नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड। मैम मैंने बना लिया। अरबाज ने क्या किया था कि ये जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये उठा के अगर मैं ब्लू से दिखाऊं जो कि गलत है, यहां से उठ के ये सीधा इस पे बॉन्ड पे लेकर आया, वो पहले नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? ये इसके नीचे वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पहले नेगेटिव बनेगा। जरा दिखाओ, कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा था भाई, दिखाओ, किसी ने किया है? ऑन खुशी कृष्णा? यस मैम मैंने कर लिया। दिखाओ, कृष्णा मेरे ख्याल से दिखाना, एक मिनट, नेगेटिव बना, नेगेटिव से वापस क्या बनाया है तुमने? नेगेटिव से बच्चे, हाँ नेगेटिव से एरो उठा के आपने डबल बॉन्ड के पास क्यों भेजा? जब नेगेटिव से आगे एरो जाएगा तो वो ठीक इसके बगल वाली यहाँ पर आएगा ना, एरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा ना। हाँ एक मिनट रुको, मैं देखने के लिए तुम्हारा, हाँ उसके, हाँ उसके बगल वाले कार्बन पे। क्लियर है बात सबको? शरीफ, संजना, रितु, पारुल, जुनैद, बना रहे हो कॉपी में अपनी की, हाथ बांध के ऐसे बैठे हो, नेगेटिव चार्ज ठीक बगल में, अब ये वाला डबल बॉन्ड उठ के ठीक यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कॉर्नर पे। क्लियर? क्लियर है भाई? यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बचा, ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है ये वाला डबल बॉन्ड, तो यहाँ नेगेटिव NH2 पॉजिटिव एज इट इज। अब की बार नेगेटिव फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना और ये वापस से नाइट्रोजन के पास आ गया बॉन्ड। क्लियर है? पांचों स्ट्रक्चर बन गए, कोई प्रॉब्लम किसी से? मैम इसमें डबल बॉन्ड को हम पूरा घुमाते आएंगे, डबल बॉन्ड को नहीं घुमा रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव बन रहा है, फिर नेगेटिव से डबल बॉन्ड से पहले नेगेटिव बना। बात समझ में आई? ये डबल बॉन्ड था, यहाँ से पहले ही अपने ठीक बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव बना, फिर बगल वाले कार्बन से नेगेटिव से फिर बॉन्ड बनाए, उतनी देर में इधर वाला बॉन्ड से नेगेटिव बना। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे दो एरो घूम रहे हैं, बॉन्ड नेगेटिव से बॉन्ड, फिर दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो नेगेटिव बन चुका है, फिर अगले स्टेप में नेगेटिव फिर बॉन्ड बना और बॉन्ड नेगेटिव। बात समझ में आई? दो एरो घूम रहे हैं, आपको दो तीन बार ड्रॉ करके देखना है, एग्जाम में बेंजीन रिंग उल्टी बन जाएगी, सब गड़बड़ कर दोगे। अगर किसी बच्चे ने बेंजीन रिंग ऐसे बना दी और उसने रटा हुआ था कि यार इधर इधर ऐसे से घुमाने हैं, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां से तो यहाँ ले आया, अब किस कार्बन को भेजूं बच्चे, अब इस वाले कार्बन को भेजना होगा बगल में, इस वाले बॉन्ड को। क्लियर है? वही सेम जो अभी किया था वही चीजें फिर होगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, NH2 पॉजिटिव, अब नेगेटिव इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। क्लियर है? सेम स्ट्रक्चर है, उस इस तरफ को घूम रहा है, इसलिए रटना नहीं है कि एरो इधर घुमा रहा है इधर इधर घुमाना है, पता होना चाहिए कि क्यों घूम रहा है वो। क्लियर है? नेगेटिव क्यों घूम रहा है? क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव और डबल बॉन्ड, जब हम देखो यहाँ पे करते थे सी एच टू सी एच ब्यूटाडाइन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था जो सी एच सी एच टू, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव आता है, फिर यहाँ से यहाँ सी एच के ऊपर बचे, यहाँ सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बाद ये क्या आ गया है, कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, वापस से इस तरह यहाँ और फिर ये यहाँ, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, रेजोनेंस शो होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आपस में कॉन्जुगेशन में है, इसलिए बार बार क्या बन रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है? नेगेटिव वापस से यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे नेगेटिव। उज्जवल क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. से उड़ रहा है मैम, क्लियर है? पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, वही स्ट्रक्चर है जो पहले बनाया था सेम। इसमें अब एक बात ध्यान से देखना, आप जब इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, कैसा इफेक्ट होता है ये प्लस आर, जब रिंग में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो जा रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज जो है आपका रिंग में घूम रहा है,
प्लस आर इफेक्ट होता है। ये ग्रुप जो लगे होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं इनको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। ठीक है मैम, आई इफेक्ट पढ़ा चुकी हैं आप? हाँ मैं पढ़ाती हूँ, आई इफेक्ट टेस्ट में भी आया था वो तो। आपके पास अगर प्लस आर इफेक्ट जो प्लस आर ग्रुप कोई भी लगा है रिंग में, अगर सपोज यहाँ पे क्लोराइड लगा है या फिर प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप, कौन प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं जो प्लस आर रेजोनेंस शो करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर आपका NH2 लगा है, NHR लगा है जिनके पास लोन पेयर है, OH लगा है, OR लगा हुआ है, ये कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं? प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं ये? प्लस आर। इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी इसका बनाया है। क्लियर है? बस OH आ जाएगा, SH आ जाएगा, जो भी आएगा लोन पेयर वाला। बोलो भाई समझ में आई बात? जब भी आपके पास बेंजीन रिंग में ऊपर से प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑर्थो पे। नेगेटिव चार्ज किस पे है? पैरा पे। बोलो भाई, है ना? यस मैम। मेटा पे कोई चार्ज आ रहा है? मेटा पे देखो। नो मैम। हाँ मैम, ऑर्थो पैरा वाला मुझे नहीं पता है क्या होता है। अरे किसी के कंपेयर में उसमें चेक करते हैं। अच्छा इसका अभी आपके उसमें भी क्वेश्चन था, ये क्लोराइड आयन है बच्चे, इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये इसके दो कंधे, चाहे ये क्लोराइड आयन यहाँ पे भी लगा होता तो इसका ऑर्थो पोजीशन कौन सी वाली होती? ये वाली। यहाँ पर ऑर्थो कौन सी है? ठीक इसके बगल में जो है। पैरा पोजिशन कौन सी? क्लोराइड के ठीक पैर में, यहाँ इस साइड, ये वाली पोजिशन क्लोराइड के ठीक पैर में, यहाँ ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो और ये वाली मेटा। बात क्लियर हुई? बहुत बार बता चुकी हूँ। अच्छा भी आपका आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन भी था, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन था आपके, पिछले साल कहीं आया हुआ है। एक बात मुझे बताओ, वो तुम कर लोगे अपने आप, उस वाले को देखना एक बार, उसका आंसर भी मैं आंसर जाके देखो, बिटलेट पे देखो। ये बताओ मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन अगर है, इसकी मेरे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, अभी इसके कितने आइसोमर्स बन सकता है? क्या ये इसका आइसोमर है? बोलो भाई, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में आइसोमर्स बन सकते हैं ना, बस इन पोजीशन चेंज होता है तो? नहीं, वो सेम ही स्ट्रक्चर है, इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन होगा, इसमें बस ये घुमा हुआ है, लेकिन है तो ये भी क्लोरोबेंजीन ही, क्योंकि आपको पता है मैं नंबरिंग वन वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां सब्स्टिट्यूट लगा है। इसका नाम भी क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका सिर्फ एक ही आइसोमर है, ये क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर आइसोमर एक ही है, लेकिन अगर मैं इसकी एक कोई और सब्स्टिट्यूट भी लगा दूं क्लोरो के साथ, मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब मैं इसकी अलग बना सकती हूँ, ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल। मैम हम खुद से कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा सकते हैं? अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है इसे मिथाइल लगा, अब इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? पैरा पोजीशन पे लगेगा तो इसका दूसरा आइसोमर, ये मेटा पोजीशन है, मेटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन हो गया इसका नाम। बोलो भाई क्या नाम हो गया इसका? मेटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं इसका तीसरा आइसोमर्स बनाऊंगी तो इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं टोटल? 3। अब पैरा पोजीशन पे CH3 आ गया तो इसका हो गया पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आई? ऑर्थो पैरा मेटा, क्लियर हुआ? जब क्लोरोबेंजीन अकेला था तो कुछ नहीं, जब उसके पास दो सब्स्टिट्यूट आ गए तभी तो मैं ऑर्थो और पैरा और मेटा की बात करूंगी। ऑर्थो पैरा मेटा भाई मैं किसी के रिस्पेक्ट में देखती हूँ। क्लियर हुई बात? बोलो भाई हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, अगर अब मेरे पास ये वाला जो एनिलीन का स्ट्रक्चर है, एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? किस नाम से शो करूंगी आप? येलो से देखो, ये वाली ऑर्थो है, ठीक उसके बगल वाले ऑर्थो, फिर नीचे ये वाली मेटा, और उसके नियर कोने ये एकदम पैरों वाली पैरा। तो पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे भी आ रहा है, पर मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आके दे रहा। आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है इसके? जब मेरी बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में ये याद रखना ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया तो वहां नहीं बताऊंगी, ध्यान रख लेना और इम्पोर्टेंट है आपके CBSE एग्जाम में आएगा ही आएगा। जब बेंजीन रिंग में प्लस आर ग्रुप लगा रहता है, क्वेश्चन आएगा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ या एनिलीन का बनाओ,
या फिर बताओ कि फिनॉल या एनिलीन कुछ भी लिख दिया, फिनॉल बेंजीन या फिनॉल हो गया या फिर एनिलीन हो गया, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर सुनो क्या लिखना है तुम्हें। जब बेंजीन रिंग में प्लस आर ग्रुप, अगर प्लस आर मीन्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ग्रुप लगा है आपका, तो क्या होगा? तो ऑर्थो, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे पांचों के पांचों और लिखोगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आई? क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ज्यादा है। किसी को डाउट क्यों ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, भाई पूछ लो, अभी बाद में मत पूछना, अगला आगे बढ़ जाऊंगी तो। मैम बता दो। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मींस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? यस मैम। मेटा पे एक बार भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, ज्यादा हुई है। क्लियर हुई बात? तनिष्का, संजना? यस मैम। अगर आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होगी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर लगेगा। अब क्वेश्चन देखो इसका, आपके हाइड्रोकार्बन में भी है, ये समझ लो हाइड्रोकार्बन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, दो तीन नंबर वाला, ये मैंने बता दिया यहीं पे, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। सपोज यहाँ पे NH2 लगा है और रिएक्शन है कि इसका नाइट्रेशन करवाओ। नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 और H2SO4 अगर लिखा है, तो यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है इन दोनों की रिएक्शन से, NO2+। अब ये NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा? हमें पता है कि NH2 कैसा रिएजेंट है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होती है इसमें, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। तो ये NO2 या तो ऑर्थो पे लगेगा, या तो मेरा बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, या फिर बनेगा क्या, पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर हुई बात? यस मैम। समझ में आई इसका क्या यूज है? Yes, और ये क्वेश्चन है आपके हाइड्रोकार्बन में, अगर किसी का टेस्ट हुआ होगा तो उसमें भी आया होगा, और अभी आपके एग्जाम होंगे तो वहां पे भी आ सकता है क्या, कि एनिलीन हो गया या फिनॉल ऑक्साइड हो गया या कोई भी प्लस आर वाला ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में लगा है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना के शो करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तक हाथों से नहीं बनाओगे एग्जाम में गलत हो जाएगा, फिर बोल रही हूँ, एरो घुमाने हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं है उसमें, अच्छे से आना चाहिए। और फिर बताओगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो वी कॉल दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हुई बात? मैं एरो लगाना जरूरी है? हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तभी बना ना कि एरो बता देना है कि ये कहाँ से कहाँ मूव हुआ। आपके पांच कैसे बन रहे, मेरे चार बन रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रही होंगी, दिखाओ, चलो दिखाओ, कहाँ है, दिखा रही हो? NH2 से एरो यहाँ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव से फिर वापस, आपने अगला तो बनाया ही नहीं, नेगेटिव को वापस से डबल बनाओ, NH2 वाला डबल बॉन्ड उसको वापस करो NH2 को लास्ट स्टेप में। क्लियर है कनिष्का? ये वाला नेगेटिव वापस से यहाँ और ये डबल बॉन्ड वापस से नाइट्रोजन के पास यहाँ। क्लियर है बाकी सब से? ओके मैम। बोलो भाई सबको क्लियर है? अगर जिसने बना लिया होगा ना इस वक्त उसका हो जाएगा एग्जाम में, नहीं तो फिर बना लेना, नहीं तो मैं फिर बोल रही हूँ नहीं बनेगा। अगला स्टेप आ गया बच्चे, वापस से ये यही बन गया। क्लियर है? अब आ जाओ, अगर मेरे उसमें बेंजीन रिंग में माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो क्या शो कर रहा है, माइनस आर, मतलब रेजोनेटिंग बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा है ऊपर की तरफ। अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग है, CHO ग्रुप है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा अपनी तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इसको भी ध्यान से देखो, इसका भी आ सकता है दोनों में से कोई से भी, किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। इसमें देखो इस कार्बन के पास बच्चे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये कॉन्जुगेशन में है किसके साथ,
इस पाई बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड का गैप और फिर ये पाई बॉन्ड, दिख रहा है? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने बोला कि ला भाई मुझे दे दे, तो इसने इसको दे दिया अपना वाला बॉन्ड। और यहाँ पर आ गया आपकी बार डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो नेगेटिव था, लेकिन जिसने अपना बॉन्ड ऊपर दे दिया है, अब उस इस वाले कार्बन के पास क्या हो गई है, कमी, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहां मूव कर चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में इस वाले पाई बॉन्ड के साथ, अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा और पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड उठ के इधर आ गया यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज अब कहां मूव हो चुका है, पैरा पोजिशन पे। बोलो भाई ये तीन चार स्ट्रक्चर बने नहीं बने, कनिष्का, उज्ज्वल, तनिष्का, पारुल, क्लियर हुआ बच्चे? इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको खुद बना के देखना है। यहाँ पर दो एरो मूव नहीं हो रहे अरबाज, जब हम प्लस आर की बात कर रहे थे तब दो एरो मूव हो रहे थे, कि एक बॉन्ड से पहले नेगेटिव बन रहा था ठीक बगल में, और फिर नेगेटिव से बॉन्ड, फिर बॉन्ड से यहाँ वाला नेगेटिव, नेगेटिव से बॉन्ड, ऐसे हो रहा था जब आपका प्लस आर था। लेकिन माइनस आर में सबसे ईजी है, कुछ नहीं, बॉन्ड ऊपर चला गया, जहां कमी रह गई वहां प्लस, बॉन्ड बगल में गया फिर जहां कमी हुई वहां प्लस, क्लियर है? अब ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा यहां, इस वाले कार्बन को इसने बोला कि भाई रो मत, तू ले मुझसे, मेरे पास से ले ले, शेयर कर ले। यहां बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां, बात क्लियर हुई भाई? आया ना? बोलो भाई, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड वापस से अपनी जगह पे यहाँ, और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव वापस से उसने कार्बन को दे दिया, फिर से वैसे ही स्ट्रक्चर बन गया जैसा कि पहले था, लेकिन अब की बार रिंग में जो पोजीशन है बॉन्ड्स की वो अलग हो गई है। बोलो भाई, उज्जवल को समझ में आया कि सब दिमाग से फुर हो गया? मैम आ रहा है, वो बस आ रहा है, और रात नहीं प्रैक्टिस होगी तो मैं फिर बता रही हूँ, जितनी तेजी से आया है ना उतनी तेजी से फुर भी हो जाएगा। नहीं मैम ये वाला बना रहा हूँ मैं, पीछे करो, जल्दी बनाओ, फिर मेरे को नाइट्रो का बना के दिखाओ। एरो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे नाइट्रो का बना रही हूँ एक और, अब की बार ध्यान से देखो और साथ के साथ बनाने। NO2 लगाए यहाँ, O है और ये ऑक्सीजन ऐसा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब की बार एक काम करते हैं, मेंजिंग रूम में मैं हर बार इस तरफ से ले रही हूँ, एक बार मैं इस तरफ से लेके बताती हूँ, ठीक है, ताकि अगर आपकी मेंजिंग रूम में इधर को आपने दिया है डबल बॉन्ड तो कैसे एरो घुमाएंगे, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके, तो इस नाइट्रोजन के पास कमी हुई, तो ये वाला जो बॉन्ड था ये उठ के कहाँ गया डबल बॉन्ड, इधर, क्लियर है? ये दो एरो समझ में आए, पहले स्टेप में दो एरो घुमाए, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड एन ओ के पास नेगेटिव, ये वाला तो ओ ऐसे ही है, उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे ही है यहाँ पे, ये ऐसे ही, ये वाला डबल बॉन्ड जब यहाँ पर बॉन्ड बन गया तो इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कमी हो गई है बॉन्ड की, क्लियर है? दो स्टेप किसने बनाए हैं, दिखाओ जरा, संध्या दिखाओ, मैंने भी बनाया, बैक कैमरा करके अपनी कॉपी दिखाऊं, गुड, ठीक है, हाँ तुम दिखाओ, संध्या एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाँ दिखाओ जरा, क्या नाम है बच्चा आपका, गॉट कुनाल्टी, कुनाल्टी, कुनाल्टी नाम है, वेरी गुड, पायल, ठीक है, पायल मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब कहाँ गया बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के इस वाले कार्बन के पास, जब देखो डबल बॉन्ड ये वाला इधर से, इसके एरो ठीक बीचों बीच बनना चाहिए, बीच में जहां कार्बन से उठा है वहां के बीच से, जिस बॉन्ड पे गया है उस कार्बन के ठीक बीच में यहाँ पे, ठीक है मैम, एरो जो है अंदर बाहर दोनों से ही बना सकते हैं, बना लो अंदर, यहां से ऐसे भेज दो, ठीक है,
इसका यहाँ पे अंदर ही अंदर बॉन्ड था तो इसलिए इजी होता है, तो इसलिए हम ऐसे बना लेते हैं. आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, ये वाला ओ तो ऐसे ही है. उसके बाद इस वाले कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगले स्टेप में कहाँ गया? अब ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने इसकी कमी को पूरा करेगा और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा. अगले स्टेप में बॉन्ड यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज उधर ऊपर शिफ्ट हो गया. याद रखना, भूलना मत, प्लस जब माइनस आर इफेक्ट हो रहा है तो उसमें प्लस के साथ कोई एरो नहीं घूम रहा है, मतलब एरो सिर्फ एक ही घूम रहा है यहाँ पे रिंग में. क्लियर है? बस पहले स्टेप में दो एरो हैं, बाकी सब में एक है. लेकिन जब हम प्लस आर वाला कर रहे थे तो वहां पे दो दो एरो थे, नेगेटिव को भी हम घुमा रहे थे. एग्जाम के टाइम पे प्लस चार्ज को कहां भेजे, किधर को एरो घुमाए, कंफ्यूज मत होना. ठीक है भाई, जो गलतियां होती हैं वही बता रही हूं मैं बार बार. अब ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ वापस, और ये नेगेटिव उठ के अपनी जगह में यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. जो पहले थी जैसी जैसा पहले बना था सेम वैसा ही हो गया. ओ बस पाई बॉन्ड का शिफ्ट पोजीशन चेंज हो गई. क्लियर है पायल? अगले स्टेप बने जुनैद, आतिका, कृष्णा, खुशी, संजना, रिद्धि, ऋतु, बोलो. सब बनाने में बिजी हो गई या फिर सोल गए हाथ बात की? यस मैम, बना मैम, हो गया मेरा भी हो गया. पायल दिखाना एक मिनट. ठीक है, आपको ध्यान देना है कि एरो बीच में आना चाहिए, साइड वाइड में कहीं नहीं जाना चाहिए, जहां बॉन्ड बन रहा है वहां. ठीक है आतिका, क्या बोल रहे हो, दिखा रहे हो? मैं एरो वाला एक बार बता दो फिर से. एरो दिखाओ, तुमने क्या बनाया है? बनाया होगा तो ही बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी. दिखा रही हो मैम? मैंने तो एरो डाला ही नहीं, मुझे एरो वाला समझ में नहीं आया. ये वाले में कि माइनस वाले में भी? अच्छे एरो में कुछ नहीं है आपको, जिस इस बॉन्ड को आप अपनी कॉपी में दिखाओ ना, मैं वही बताऊंगी. दिखाओ कैसे बनाया आतिका, जल्दी दिखाओ बनाया है तो. बंद करो अरबाज माइक. आतिका दिखाओ, दिखा रही हो? यस मैम. बैक करो कैमरे को, मुझे दिखाओ एरो बिना एरो के तुमने क्या किया, मैं बताऊंगी कैसे एरो को घुमाना है. जो आपका डबल बॉन्ड जब मूव हो रहा है बच्चे, जहां मूव करा है आपने, बस उसको वहां से उठा के, सपोज ये बॉन्ड आपने यहां से यहां मूव किया है, इस वाले पॉजिटिव को दिया है, तो आपने इस बॉन्ड को उठा के इसकी कार्बन को दे देना है यहाँ पर. क्या ले आए? अरे अरबाज माइक ऑफ करो अपना. अरबाज. यस मैम. आतिका, जब फर्स्ट स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, किसी और को भी डाउट है इसमें? पूछो भाई, हैंड रेस करना जरा, किसी और को भी है तो. बच्चे ये वाले को जब आपने यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज दे दिया है, अगली वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन से यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो ये एरो घुमा के ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड उठ के जब जिसके पास गया है वहां नेगेटिव चार्ज आ गया. क्लियर? अब की बार जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड उठ के गया फिर इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये एरो इधर से इधर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड. क्लियर है? अब पॉजिटिव चार्ज इधर, अब ये वाला बॉन्ड उठ के इधर गया इस वाले कार्बन के पास, तो ये बॉन्ड उठा के इधर ऐसे एरो के थ्रू दिखाना है कि ये बॉन्ड यहाँ से गया इस तरफ आ चुका है, इधर आ गया. क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इधर शिफ्ट हो गया. क्लियर है सबको? यस मैम. अब मुझे बताओ, जो माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, माइनस आर ग्रुप कोई लगा है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन पे? माइनस आर इफेक्ट जब हो रहा है, मतलब कि बेंजीन रिंग से और बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? मेटा पे. ऑर्थो पे देखो प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस मींस कि कम होना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. वहां पे नेगेटिव चार्ज था मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज्यादा थी। माइनस आर इफेक्ट जब हो रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि वहां पे प्लस साइन है, तो बचा कौन सा, मेटा पोजिशन, बची कौन सी पोजिशन, मेटा पोजिशन बची जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अगर मैं ऑर्थो पैरा मेटा यहाँ पर तीनों को कंपेयर करूं तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है, मेटा पे नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, मेटा पे। बोलो बोलो भाई, दो पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां कमी है, एक पर नहीं है कोई चार्ज, मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू इन उन तीनों के ज्यादा है मेटा पोजिशन पे। तो जब कोई भी माइनस आर ग्रुप अगर मेरा बेंजीन रिंग पे लगा है और इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, NO2 अगर लगा है सपोज यहाँ पर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, सपोज CH3+ एक इलेक्ट्रोफाइल है वो आया, वो कहां पर अटैक करेगा, इसकी क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। बात समझ में आई, अगर ऊपर से कोई क्या लगा हुआ है माइनस एम इफेक्ट वाला, जैसे कि CHO भी माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो कहां पे अटैक करेगा, इसकी मेटा पोजीशन पे। बात समझ में आई, बोलो भाई कुछ समझ में आया या सब उड़ गया दिमाग से। मैम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बताया था ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उनके ऊपर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल वो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या फिर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन पसंद है, फाइल मीन्स लवर। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन लवर। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो ये मेटा पोजीशन पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई, ये आपको याद होना चाहिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्लस आर माइनस आर इफेक्ट वाला, ठीक है। अगर मेरे पास मैम लास्ट में आई इफेक्ट बता दोगे, बैठो मैंने वैसे रिविजन क्लास में भी बताया था बच्चे, एक ऑर्डर था उसमें। अब मेरे पास अगर दो चार पांच कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे दे दिए और बोला है स्टेबल कौन सा है ये बताओ, तो बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल वो वाला होगा। इसके लिए कुछ रूल है, सबसे पहला रूल क्या, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे आपके मोर स्टेबल वो होगा जिसके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपने ब्यूटाडाइईन का एक स्ट्रक्चर बनाया CH2CH CH CH2, इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था क्योंकि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था, इस तरीके से हमने इसे शिफ्ट किया था, यहाँ डबल बॉन्ड आया था, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो मैं इनकी कोवलेंट बॉन्ड काउंट करूंगी, जहां कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3 4, यहाँ 4 ही कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट। क्लियर है, यस मैम। नेक्स्ट है कि आपके दो अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक साथ हैं, इस कार्बन पे इस कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हैं, इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा, वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, जरा इसमें बताओ मुझे साइलियम आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, सेकेंड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। क्लियर, यस, इनमें बताओ सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है। मैंने बताया जब लाइक चार्ज आपस में साथ साथ हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सी। सबसे ज्यादा वाला स्टेबल कौन सा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करूंगी, ए वाले में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद बी और डी में देखो, तीसरा रूल क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो संभाल लेगा, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, वो लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, मतलब दो इन दोनों में कंपेयर करें, एक के ऊपर है एक के पास नहीं है,
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस कार्बन उसको संभाल नहीं पाएगा, ये उससे ज्यादा कम स्टेबल होगा, किससे, बी से। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आया मैम? रूल थ्री नहीं समझ आया। रूल थ्री ये कहता है, बी डी सी, रूल थ्री कहता है बच्चे कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ठीक है वो स्टेबल रहेगा, होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पे पॉजिटिव हो। तो जैसे सपोज अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप इसमें नहीं ले सकती, इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड सेम नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों में देखो, इसमें दोनों में कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव है। अब हमें कंपेयर नाइट्रोजन को नहीं देखना, अब हमें कार्बन को देखना है। एक कार्बन पे यहाँ पे मतलब कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास नहीं झेल सकता और इलेक्ट्रॉन। वही अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता तो वो संभाल लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो संभाल लेगा। बात समझ में आई अब? यस मैम। इधर देखो, इसमें बताओ मुझे लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है मैम? सेकंड वाला, बी वाला मैम, सी थ्री थ्री। दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ हैं। यस मैम, ए लीस्ट स्टेबल। दो पॉजिटिव जब एक साथ होंगे आपस में रिपेल करेंगे, स्टेबल ही नहीं रहेगा कंपाउंड। क्लियर है? कार्बन के साथ नेगेटिव मैम, वो भी तो हो सकता है, कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज है। अरे रूल स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं। सबसे पहला तो यही कि दो पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकते, तभी तो वो वाला लास्ट में है रूल। क्लियर? यस। दो पॉजिटिव एक साथ नहीं होंगे, वो आपस में कैसे रहेंगे उसके बाद देखना है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। क्लियर? इन दो स्ट्रक्चर में बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट, क्योंकि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज के यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है, स्टेबल। तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? यस मैम। पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। क्लियर? क्लियर। इधर देखोगे लीस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, ये लीस्ट स्टेबल है। सबसे ज्यादा कौन सा, थर्ड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करोगे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे इसके साथ शेयर कर लेगा, भाई साथ के साथ बगल में बैठा है तो इसको इतनी कमी नहीं होगी जितनी इस वाले पॉजिटिव चार्ज वाले को कमी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो सेकंड वाला ज्यादा, सबसे लीस्ट स्टेबल फर्स्ट वाला। क्लियर हुई बात? यस मैम। प्लस आर माइनस आर इफेक्ट, ये देख लो भाई, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर। जैसे कि आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH2 नेगेटिव भी अगर लिखा है तो ये प्लस, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब ये देगा। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम। माइनस एम कौन देगा, जो भी ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो भी ग्रुप होगा ना, CONH2 है ये, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, जहां पे भी ये ग्रुप दिख गया ना आपको, मतलब समझ लेना वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ लेगा, फिर कार्बन के पास कमी आएगी तो वो बेंजीन रिंग से लेगा। क्लियर है? ऑल ऑफ दीज शो माइनस एम, माइनस एम एंड माइनस आर इज सेम थिंग। क्लियर? यस मैम। प्लस प्लस एम कौन सा होगा, तीनों ही प्लस एम, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे है यहाँ पे इसमें भी। अच्छा ध्यान देखना, वो डबल बॉन्ड के साथ ओ है और ये सिंगल ओ, ऐसे बेंजीन रिंग के साथ ऐसे लगा है ये ओ एच, या बेंजीन रिंग के साथ ओ फिनाइल लगा है, तो सिंगल ये ओ, यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ भाई? ऑक्सीजन देख के माइनस मत कर देना। बात समझ में आई? आया ना तो बोलो भाई। नहीं आई, क्या है ये? हाँ, जिसमें जो ओल OH वाला ग्रुप है बच्चे, जहाँ पे आपके पास लोन पेयर यहाँ है ऑक्सीजन के, ये देगा ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे इसको दे देगा, बेंजीन रिंग को दे रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आपके पास
बेंजीन रिंग के ऊपर पहले कार्बन है और फिर उसके ऊपर ऐसे ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये रिंग को दे नहीं रहा, ये रिंग से ले रहा है। क्लियर हुई बात? जहां पे भी सीओ ये वाला ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम या माइनस आर, एक ही बात। वही अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगाए जिसके पास लोन पेयर है तो वो देगा। क्लियर? ये यहां कार्बन लगा था बेंजीन से ना कि ओ। अब समझ में आया, यहां बेंजीन से डायरेक्ट ओ अटैच है, डायरेक्ट ओ सी एस थ्री, डायरेक्ट ओ। लेकिन जहां पे माइनस एम इफेक्ट शो हो रहा है वहां पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन अटैच है ना कि ओ। क्लियर क्लियर क्लियर? यस मैम क्लियर। ये बताना चाहिए था ना बेंजीन से अटैच है। हाँ चलो अब इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन अगली क्लास में करते हैं। क्लियर है भाई? किस किसका था माइनस आई इफेक्ट वाला? क्या बता दो यार, नहीं हो रहा जल्दी। नहीं होगा आई इफेक्ट वाला? यस हाँ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे बताया था मैंने, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है CH2 CH2 Cl। अगर मेरे पास एक कोई कंपाउंड है यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के जो कोवलेंट बॉन्ड, ये सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है भाई? यस मैम। प्लस का क्या होगा? जब वो कोई रिंग को मेरे को इसमें दे रहा होगा वापस से इलेक्ट्रॉन, रिंग मेरी चेन को मिल रहे होंगे। सपोज एक कार्बो कटायन यहाँ पे ग्रुप है, इसके ऊपर हमने बच्चे पूरी क्लास करी है, मैं एक क्लास में तो नहीं समझा सकती हूँ, आपको खुद जाके देखने पड़ेगा, लेक्चर देख लेना। मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक है, CH2 पॉजिटिव, अगर बच्चे CH2 पॉजिटिव नहीं, कार्बन कार्बो कटायन है, टर्शरी कार्बो कटायन, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसको मिल रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे से ले ले, नाराज ना हो, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास कमी थी, कार्बन मिथाइल ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं? ऑर्डर था एक CH2 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर NH2 नेगेटिव का, उसके बाद था ओ नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, ये एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, ऑर्डर था पूछा था उसने। तो ये वाला जो ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, अगर CH2 ग्रुप कहीं पे लगाया नेगेटिव चार्ज के साथ, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। जैसे कि मेरे पास CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव एक है और यहाँ पर CO नेगेटिव एक ग्रुप लगा है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस वाले ग्रुप ने जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है क्या किया, इसको बोला कि बैठ मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन देता हूं लेकिन तू शांति से यहाँ बैठा रहे, तो ये स्टेबल हो गया। किसकी वजह से? इस CO नेगेटिव ग्रुप की वजह से। क्लियर है? हमने एक बात की थी टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है, हर जगह आता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, और फिर कौन सा था भाई? प्राइमरी। कौन पूछ रहा था भाई, जवाब दो, कुछ समझ में आ रहा है या उड़ गया दिमाग से सब? यस मैम। यस मैम। याद आया, ये CH+ CH2, इसमें प्लस, ये टर्शरी वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्लस आई इफेक्ट तीन, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसको प्लस वाले को ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, अगर यही एक क्लोरीन लगा होता जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहे होते तो ये इसको क्या बना देते, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि ये माइनस आया, इसके पास पहले से कमी थी, ऊपर से ये माइनस ये भी ले गया, क्लोरीन ले गया इसके पास से, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी क्योंकि दो ही दे रहे हैं मिथाइल, यहाँ पे प्राइमरी में एक ही मिथाइल दे रहा है, और सबसे कम CH3+ जहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप जो है कोई भी नहीं है उसके साथ उसको देने वाला कार्बोकैटायन को। क्लियर हुई बात? एक बार लेक्चर देख के आना, फिर पूछना कि जो चीज समझ में। ठीक ठीक है, चलो बाय एवरीवन।